हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के हिंदी बुक का 7 नंबर पाठ, जो पोएम है पहली बूंद, इस पोएम को आज मैं आप लोगों को अच्छा से पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? और एक बात है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो जो यूट्यूब में जो अपलोड करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? पहली बूंद, तो आइए इस पोयम को पढ़ूंगा। पहली बूंद। वो पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं वादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई, नीले नयनों सा यो अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामल श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। इस पोयम के कवि है गोपाल कृष्ण कोल, ठीक है? तो आप लोग अच्छा से मेरे साथ पढ़ना, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेना, ठीक है? नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क प्रश्न, कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? उत्तर, वर्षा ऋतु का। ख प्रश्न, वर्षा की पहली बूंद को किसके समान बताया गया है? उत्तर, अमृत के समान। ग प्रश्न, धरती की रोमावली क्या है? उत्तर, हरा भरा पेड़ पौधे धरती की रमावली है, ठीक है? अच्छा से लिखना। घ प्रश्न, आसमान में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है? उत्तर, बादल को कहा है। उंग प्रश्न, बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है? उत्तर, सस्य श्यामल बनना चाहती है। 2 नंबर क्वेश्चन, कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क प्रश्न, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? उत्तर, वर्षा की पहली बूंद से धरती माता का को एक नया जीवन मिलता है। वो अपनी प्रसन्नता चारों तरफ हरियाली प्रकट करती है, अर्थात वो खुद को फिर से सस्य श्यामल कर लेती है। ख प्रश्न, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? उत्तर, वर्षा ऋतु में बादल घने दिखाई पड़ता है, बादलों के बीच बिजली चमकने लगती है। इस काले घने बादल को देख कवि को ऐसा लगता है मानो बादल नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई को जगा रहा है। ग प्रश्न, वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होता है? उत्तर, वर्षा ऋतु आते ही धरती पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है, जैसे मैदानों में सूखे पड़े घास हरी भरी हो जाता है, धरती में दबे पड़े बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं, पेड़ों में अनेक शाखाएं और पत्ते उमड़ने लगते हैं, फूलों की महक और सुगंध चारों ओर फैलने लगते हैं। घ नंबर प्रश्न, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने वर्षा की पहली बूंद अमृत के समान इसीलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद ने बेजान पड़े सूखी धरती को फिर से जगा दिया करता है।
मानो जैसे धरती को एक नया जीवन मिल गया हो और धरती अपने खुशी का इजहार चारों ओर हरियाली फैलाकर फैलाने लगती है। उंगा नंबर क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। उत्तर, जिस प्रकार सूरज के नई किरणों के साथ अच्छे दिन की शुरुआत होते हैं, ठीक उसी प्रकार धरती की भी नई शुरुआत वर्षा ऋतु के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे में नए सिरे से पत्ते आने लगते हैं, सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती है, किसान अपने खेतों में फसल लगाकर धरती को सौंदर्य एवं हरा भरा कर देते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन, कवि ने कविता में प्रकृति की वस्तुओं का मानवीकरण किया है, आओ समझे और मिलाए। उत्तर, बूंद अमृत, अंबर काली पुतली, बादल नीला नयन, दूब पुल की मुस्काई। आप लोग अच्छे से मिला लेना, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद बनाया है। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या है? उत्तर, ऋतु छह प्रकार के होते हैं। नंबर वन ग्रीष्म ऋतु, टू नंबर टू वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु, ठीक है। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन आंसर्स लिखना और दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहली बूंद कविता का सभी क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा दिया आप लोगों को, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।